अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। सबसे पहले गाइस, मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं काफ़ी टाइम के बाद अपनी जो लॉन्ग वीडियो है वो अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। असल में कुछ मसरूफियात बढ़ चुकी हैं, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाता इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए। बाकी ये कि मैं शॉर्ट्स तो डालता ही रहता हूँ अपने बेटे की, आप तो देखते ही होंगे, लेकिन वीडियो जो लॉन्ग वीडियो है वो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ काफ़ी टाइम के बाद। और आज की वीडियो बहुत मज़े की है और बहुत यूज़फुल वीडियो भी है उन लोगों के लिए, स्पेशली कि जिन लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल्स नहीं हैं और वो चाहते हैं कि हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो हैं वो मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो हैं वो मोबाइल ना हो तो हम पीसी पे किस तरह यूज़ करें। कोई ऐसा हल लोग चाहते हैं कि एंड्रॉयड ऐप जो हैं वो सब जो है पीसी पे चल जाए, लाइक एंड्रॉयड गेम्स हो गए, एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस हो गई, सॉफ्टवेयर्स हो गए जितने भी हैं। तो यही मैं तरीका आज आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने कंप्यूटर पे एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसके अंदर बिल्कुल मोबाइल की तरह ही एंड्रॉयड अपने पीसी में यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पे जाने से पहले मेरी वीडियो पे जो लोग न्यू हैं मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि चैनल की आने वाली हर अपडेट की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जो है वो इंस्टॉल कर लेना है ब्लू स्टक। क्रोम खोलेंगे, गूगल लिखेंगे और उसके अंदर ब्लू स्टक इंस्टॉल कर लिख लें, इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी सेटअप है तो मैं इसमें इंस्टॉल नहीं करूँगा, इसको डाउनलोड नहीं करूँगा, आपको बस यहाँ से करना है। इसमें दो वर्जन है, एक ब्लू स्टिक 5 है, 10 है। आप 5 कर लें या 10 कर लें, दोनों एक ही चीज़ है। ब्लू स्टिक 10 जो है स्पेशली गेम्स खेलने के लिए, जो लोग गेम्स खेलते हैं वो उसके लिए ब्लू स्टिक 10 है। और ब्लू स्टिक 5 जो है वो पूरा एंड्रॉयड वर्जन, इसमें सारी एप्लीकेशन भी चलेंगी, आपकी गेम्स भी चलेंगे, सब चीज़ें चलेंगे। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद ये इंस्टॉल होगा, 5 से 10 मिनट लेंगे और उसके बाद जो है वो आप जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरह का फीचर आपके सामने आ जाएगा, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। देखें ये ब्लू स्टिक 5, तो ये आपके सामने खुल जाएगा इस तरह, स्टार्टिंग ब्लू स्टक हो जाएगा, उसके बाद ब्लू स्टक आ जाएगा, ब्लू स्टक आ जाएगा, उसके बाद ये आपका लोड हो जाएगा। लोड होने का थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगाता है क्योंकि ये पूरा एप्लीकेशन लोड होता है। और इसके लिए ये है कि जितना अच्छा आपका सिस्टम अपडेट होगा, जितनी अच्छी आपके सिस्टम की रैम होगी, ग्राफिक कार्ड जितना अच्छा होगा, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। ठीक है, ये देखें मोबाइल की तरह खुल गया आपके सामने, इसमें जो चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं वो कर सकते हैं आप ब्लू स्टक के जरिए, जो है प्ले स्टोर के ज़रिए जो है इसमें आईडी भी लॉगिन कर सकते हैं अपनी। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो यहाँ से बैक कर सकते हैं, फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, कैप्चर भी कर सकते हैं, तस्वीरों को स्क्रीन शॉट मतलब दे सकते हैं, उसका इसमें चीज़ों का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं आप, गेम्स वगैरह ये सारी चीज़ें, और पूरा मोबाइल की तरह एक तरह सही है। तो ये मैं आपको कुछ चीज़ें चला के दिखा देता हूँ। मैं यूट्यूब खोल लेता हूँ, लेकिन यूट्यूब खोल लिया मैंने, यूट्यूब एज इट इज़ जिस तरह मोबाइल में खुलता है उस तरह ही खुल जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, क्यों नहीं खुल रहा है। तो दोबारा से खोल देते हैं इसको, ठीक है, इसको दोबारा से खोल देते हैं। असल में मेरे सिस्टम में शायद कोई इशू है, इसकी वजह से ब्लू स्टिक प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो जी मैं आपको बता चुका हूँ इस तरह से आप कर सकते हैं मोबाइल की सारी चीज़ें, आप एक एप्लीकेशन के थ्रू अपने पीसी में एंड्रॉयड यूज़ कर सकते हैं।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलूँगा इंशाल्लाह आपसे एक और वीडियो में जल्द ही। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।